हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मुझे लेना है फेशियल। आपको जैसा कि पता है कि घर में है शादी, बहन की शादी है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो शॉपिंग वगैरह बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा अपने आप को भी चमका लिया जाए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं पार्लर में आ गई हूँ और मैंने बोला उनको कि मुझे एक अच्छा सा फेशियल दे दो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप O3 ले लो, जो कि आपके फेस पर शूट करेगा और बहुत अच्छा ग्लो उसका जो है आता है। मैं फ़र्स्ट टाइम करवाने वाली हूँ इस फेशियल को, तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी। सबसे पहले उन्होंने ब्लीच लगाया, उसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है, जितने भी स्टेप होते हैं स्टेप बाय स्टेप इन्होंने किया। बहुत अच्छे से जो इनका हाथ था वो चल रहा था फेस पे, क्योंकि देखो फेशियल करते टाइम ना आपकी स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इनका जो काम है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं और ये तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि हमेशा मैं इन्हीं के पास आती हूँ मुझे कुछ भी अगर करवाना हो। तो ये है हेमा मेकओवर, जिनका पार्लर है उनका नाम है हेमा, एंड बहुत अच्छा काम करती है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी और जिन्होंने मेरा फेशियल किया था इनका नाम सोनी है, और इन्होंने बहुत अच्छा फेशियल किया है, बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है। देखते हैं, ग्लो तो वैसे एक दो दिन के बाद ही पता चलता है कि ग्लो आया है कि नहीं। बाकी इनके जो स्टेप हैं बहुत अच्छे अच्छे स्टेप किए हैं इन्होंने, और मैं बताने वाली थी कि शादी जो है बहुत नज़दीक है। तो शादी है सिर्फ परसों यानी 25 अप्रैल को, और आज है 23, कल है हल्दी एंड मेहंदी यानी 24 को। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और पूरा ब्लॉग करने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। तो कल से आपके पास बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग जो हैं आने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक बिल्कुल भी ना करना भूले। तो यहाँ पे बस जो स्टेप हैं चल रहे हैं, और इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना, क्योंकि एक महीने से बॉडी इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी मैं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मन कर रहा था कि बस आराम से सो जाऊं। बहुत बार मैंने फेशियल करवाए हैं अपने फेस पे, लेकिन इनका जो हाथ है ना बहुत सॉफ्ट एंड बहुत सुकून वाला था, तो बहुत एंजॉय किया मैंने। और यहाँ पे चल रही थी हमारी बातें। तो आई होप ये जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अभी के अभी लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। मिलती हूँ नई ब्लॉग में। बाय बाय।